नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे रावण के जन्म के बारे में। जी हाँ, रावण का जन्म कैसे हुआ आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नाम लेकर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रावण अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल हुआ करते थे, पर एक शराब के चलते उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा था। आज इस बारे में हम आपको बताएंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु सनक, सनंदन आदि बैंकुट पधारे। ये सब ऋषि थे। भगवान विष्णु के द्वार पर जय और विजय ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। ऋषिगण अप्रसन्न हो गए और क्रोध में आकर गुस्से में उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप में कहा कि तुम राक्षस हो जाओ। जय विजय ने प्रार्थना की, वह अपराध के लिए क्षमा भी मांगी और भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से क्षमा करने के लिए कहा। तब ऋषियों ने अपने श्राप की तीव्रता कम की और कहा कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस योनि में रहना पड़ेगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि तुम दोनों को 3 जन्मों तक तो राक्षस योनि में रहना ही पड़ेगा, उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो सकोगे। इसके साथ एक शर्त रखी गई कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतारी रूप के हाथों तुम्हारा मरना अनिवार्य होगा। यह श्राप राक्षस राज लंकापति दशानन रावण के जन्म की आदि गाथा है। भगवान विष्णु के ये 2 द्वारपाल पहले जन्म में हिरणाक्ष व हिरण्यकशिपु राक्षस के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत शक्तिशाली था। उसने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में पहुंचा दिया था। पृथ्वी की पवित्रता बहाल करने के लिए भगवान विष्णु को वरह अवतार धारण करना पड़ा था। फिर विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को मुक्त करा लिया था। हिरण्यकशिपु भी काफ़ी ताकतवर राक्षस था और उसने वरदान प्राप्त कर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था। भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का वध करने की वजह से हिरण्यकशिपु विष्णु विरोधी था और अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रह्लाद को मरवाने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकशिपु का वध किया था। खंभे से नरसिंह भगवान का प्रकट होना ईश्वर की साक्षात सर्वव्यापी उपस्थिति का ही परिणाम है। त्रेता युग में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए और विष्णु अवतार भगवान श्री राम के हाथों मारे गए। तीसरे जन्म में द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तभी ये दोनों शिशुपाल व दंतवक्त नाम के अनाचारी के रूप में पैदा हुए थे। इन दोनों का वध भी भगवान श्री कृष्ण के ही हाथों हुआ था। तो दोस्तों, ये थी रावण के पहले के जन्म की कहानी। आशा करता हूँ आपको बेहद अच्छी लगी होगी। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ऐसे ही धर्म और कर्म की कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा, तो नाम लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।